हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल्स का एक और इम्पॉर्टेंट मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। इससे पहले मैंने लॉ फोटोग्राफिक मेथड्स और ब्रैक्स स्पेक्ट्रोमीटर मेथड्स डिस्कस कर चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज जाके उन वीडियोज को पहले चेक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड डिस्कस करेंगे, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसका जो है बेसिक हम देखेंगे, बेसिक जो हमारे सेमेस्ट्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पॉर्टेंट है उतना हम डिस्कस करेंगे। उसका एक हैंडमेड नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, आई होप कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। सो बेसिकली द मेथड डेवलप्ड बाय स्काईबोल्ड इन 1919 एंड एम पोलानी इन 1921 इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो ये रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो है हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड्स है, बाकी जो तीन मेथड्स हैं उससे। इन दिस मेथड अ बीम ऑफ होमोजीनियस एक्सरे इज अलाउड टू पेनिट्रेट अ स्मॉल क्रिस्टल एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक्सरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस एक्सरे इज अलाउड टू पेनिट्रेट, ठीक है, बीम ऑफ होमोजीनियस एक्सरे, इस मेथड में हम एक्सरे बीम का प्रयोग करते हैं, तो अलाउड टू पेनिट्रेट अ स्मॉल क्रिस्टल एट अ राइट एंगल। सो यहाँ पे जो हम एक्सरे प्रयोग करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करते हैं। जैसे हमने ब्रैक्स इक्वेशन में अपना देखा था कि ये एक एक्सरे ट्यूब यूज किया जाता है, एक्सरे ट्यूब जो है हमारा एक्सरे जनरेट करता है। ठीक है, बेसिकली ये एक्सरे जनरेट करता है, तो इस एक्सरे जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे एक्सरे ट्यूब का प्रयोग करते हैं। फिर एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरे जनरेट होता है वो कोलिमीटर से होते हुए मोनोक्रोमीटर में जाता है, और जो हमारा एक्सरे हो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे में चेंज हो जाता है, और उस एक्सरे का हम प्रयोग करते हैं रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड्स में किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए। द क्रिस्टल बीइंग रोटेटेड अराउंड एन एक्सिस पैरेलल टू ऑन अ क्रिस्टल एक्सिस ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ अ क्रिस्टल वेरियस प्लान केम सक्सेसिवली इन टू सुइटेबल पोजिशंस फॉर डिफ्रैक्शन टू अकर एंड द कोरिस्पॉन्डिंग स्पॉट आर ऑब्जर्व ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। सो फिर हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को जो है सीधा हमारे जो क्रिस्टल्स है उसमें डालते हैं, तो उसके बाद जो है हमको कई प्रकार के प्लेन्स, ठीक है, कई प्रकार के हमको रिफ्लेक्टेड एक्सरे प्राप्त होते हैं क्रिस्टल्स से होते हैं। उसके बाद जो है सुइटेबल पोजिशंस फॉर डिफ्रैक्शंस इज अकर एंड द कोरिस्पॉन्डिंग स्पॉट्स आर ऑब्जर्व ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस डायग्राम से, ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार ब्रैक्स इक्वेशन में जो हमने ये एक्सरे ट्यूब बनाया था वहां से फिर एक्सरे क्रोमोमीटर बनाया गया था, क्रोमेटिक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है ये सब बनाने का इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मेन प्रिंसिपल वर्क करता है उसी का डायग्राम बनाएंगे रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड्स का। सो बेसिकली ये हमारा इंसिडेंट एक्सरे है, ये क्रिस्टल्स है, जब क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे डाला जाता है तो ये डिफ्रैक्टेड एक्सरे डिफ्रैक्टेड होगा और यहाँ पे एक स्पॉट प्राप्त होगा हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर। ठीक है, तो ये हमारा स्पॉट फोटोग्राफिक प्लेट पर, इसी का हम अध्ययन करते हैं। तो ये इस क्रिस्टल का फिर हमको जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है बाय यूजिंग दिस स्पॉट्स। ओके, तो ये जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का, बहुत ही सिंपल है। इसका जो है थ्योरी पोर्शन ही मैंने डिस्कस किया है, और ये इस डायग्राम से आपको इसका प्रिंसिपल समझ सकते हैं। इंसिडेंट एक्सरे जो है हमारे ये क्रिस्टल्स पर इंसिडेंट होगा, उसके बाद डिफ्रैक्टेड एक्सरे से हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट्स प्राप्त होंगे, और उन स्पॉट्स का प्रयोग करके हम किसी भी क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमारा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड्स है। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड्स क्या होता है, ये जो है एक प्रकार का मोटर है, ठीक है, जिससे जो है इसको रोटेट किया जाता है, जब ये एक्सिस को रोटेट किया जाएगा तो ये क्रिस्टल अपने आप रोटेट होगा। ठीक है, तो उसी पर तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में जो हमारा क्रिस्टल है वो हमेशा रोटेट होते रहता है, जिससे हमको डिफ्रैक्टेड एक्सरे प्राप्त होते हैं, और जो स्पॉट प्राप्त होता है उसी से हम फिर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। तो ये जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल हुआ होगा ये मेथड्स। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।